ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 22 जनवरी 2021, फ्राइडे है, सुबह के 8:35 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा एक्सपायरी के दिन निफ्टी इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई अचीव किया, लेकिन सस्टेन नहीं ऊपर हो पाया और वहां से तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आई। तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग एक डीप करेक्शन में कन्वर्ट होगी या फिर कहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये है कल का सीनरियो, यानी 21 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 14,670 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 14,608। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स सेकेंड टारगेट जो हमने प्लॉट किया था इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ और पूरे दिन एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही हाफ एन आवर बचा था, ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद एक तेजी से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जैसे ही टूवर्ड साउथ की तरफ ये यहाँ से निफ्टी इंडेक्स मूव हुआ, तो इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और एक बाउंस बैक देखने की कोशिश की। हालांकि सस्टेन नहीं हो पाया और जैसे ही फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,594 ये यहाँ पर अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 14,576 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखने से पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। नासडैक कल भी 73 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिका में नई सरकार आई है तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो कुछ अच्छा खासा कर नहीं पा रहे, वहाँ पर अभी भी कोरोना केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फियर फैक्टर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार देखे तो आज लगभग ऑलमोस्ट सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 62 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखे तो डाउ फ्यूचर अभी 105 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और ये जो 8 जनवरी का हमने बोरिंग कैंडल देखा था उसका हाई, ये देखिए ये हाई और ये लो, ये अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया, इसके नीचे क्लोज नहीं हो पाया, तो एक साइडवेज पैटर्न में डाउ फ्यूचर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर आप कल का कैंडल देखें तो यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर जैसा एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। हमने देखा था 2 दिन पहले यहाँ पर ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बना है और उसके बाद 200 पॉइंट का अपसाइड मूव और निफ्टी लाइफ टाइम हाई के लेवल के पास, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। हर एक नया जब निफ्टी लाइफ टाइम हाई क्रिएट करता है तभी प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। 200 पॉइंट की यहाँ से बढ़त देखने को मिली थी। जब तक ये 20 EMA के ऊपर है यहाँ पर अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है ऐसा हम कह सकते हैं और ये करेक्शन टूवर्ड्स 20 EMA तक भी आ सकता है। जैसे हमने यहाँ पर पास्ट में देखा है 20 EMA तक आता है, सपोर्ट लेता है और फिर बाउंस बैक दिखाता है, तो ये अप ट्रेंड में है ऐसा हम अभी भी कह सकते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। कल हमने और एक बात को पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन वर्सेस RSI। कैसे? तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में ये देखिए यहाँ पर हायर हाइज क्रिएट हो रहे हैं, प्रीवियस हाई के ऊपर नया हाई क्रिएट हो रहा है, लेकिन RSI में अगर आप देखें तो ये हायर हाइज क्रिएट हुए लेकिन प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहे हैं लेकिन RSI जो है वो लोअर हाइज क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव डाइवर्जेंस है।
तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से और थोड़ी डीपर हमें गहराती हुई नजर आ सकती है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है। इस समय चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी जो हमारा कल का ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था, आज वो हो सकता है हमारा ब्रेकआउट लेवल, यानी पिवट पॉइंट के लेवल के पास। अभी ऊपर जाने वक्त इसको दो हर्डल्स को पार करना होगा, एक 20 EMA और उसके बाद पिवट पॉइंट का लेवल। जो लेवल यहाँ पर पास्ट में जहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाया था, तो वो लेवल फिर भी अभी यहाँ पर हर्डल साबित हो सकता है। तो 14,620 के ऊपर अगर कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,638। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,665, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो कल का लो और 50 EMA का ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्ट उसी के पास आ रहा है, तो सपोर्ट हो सकता है यहाँ पर। तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए कल के लो के आसपास, और 50 EMA को यानी 14,514 को अगर क्लियरली ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,494, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,473, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें, पहले डेली चार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। बियरिश इनगल्फिंग यानी ब्लैक कलर का ये ब्लैक रेड कलर का ये जो बॉडी है इसने ग्रीन कलर के कैंडल को पूरी तरह से कवर करी है, तो इसे बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो अभी इसका इमीडिएट सपोर्ट तो यहाँ पर 20 EMA के पास है, जो कि 31,750 के पास है। तो यहाँ से और अगर डीप करेक्शन आता है तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 31,750 का यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन के वक्त जब ये इसके आसपास पहुंचेगा तो हो सकता है S1 का पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है इसको पेनेट्रेट करे ट्रेंड लाइन को, और ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाए। जब तक ये ट्रेंड लाइन को कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पर चांसेस होंगे कि बैंक निफ्टी फिर से बाउंस बैक करे। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कम्प्लीटली, सस्टेन करता है अर्ली चार्ट में इसके नीचे, तो और भी गिरावट यहाँ से हमें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी का अराउंड 31,977, जो कि कल का लो के जस्ट नीचे है। इसके नीचे आता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक छोटा सा क्विकली 31,908 917 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 31,857, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चलता है तो दो हर्डल से पहले, एक तो पिवट पॉइंट का हर्डल है और ये 50 EMA का भी हर्डल है, तो इन हर्डल्स को पार करने दीजिए 32,343 हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बनाएंगे, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 32,394, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 32,442, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी वीकेंड।